नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। अमिताभ ठाकुर को बीएसपी सांसद अतुल राय के साथ कथित तौर पर सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि अमिताभ ठाकुर ने यूपी विधानसभा चुनावों में सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दर्जनों पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं जो जबरन अमिताभ ठाकुर को पुलिस वाहन में बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अमिताभ ठाकुर लगातार पुलिस का विरोध करते हुए या कहते हुए दिखाए जा रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। बताते चलें कि बलात्कार की पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था। 24 अगस्त को उस पीड़िता की मौत हो गई थी। इस मामले में बीएसपी सांसद अतुल राय पर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने आत्महत्या से पहले जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए थे उनमें अमिताभ ठाकुर का नाम भी शामिल है। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में शुक्रवार दोपहर को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि अमिताभ ठाकुर ने दुष्कर्म पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाया है। मुकदमा एसआई दया शंकर द्विवेदी की तहरीर पर दर्ज किया गया है। अमिताभ ठाकुर पर मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। दरअसल अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। दोनों ने मौत से पहले कोर्ट के बाहर आत्महत्या करने से पहले फेसबुक लाइव भी किया था। फेसबुक लाइव में पीड़िता और उसके दोस्त ने एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय और उनके बेटे विवेक राय, पूर्व आईजी पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर भी आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर को एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। रेप पीड़िता ने मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप अमिताभ ठाकुर पर लगाया था। अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो वह गाड़ी में बैठने से इनकार कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया। वे पुलिस अधिकारियों से FIR दिखाने की मांग लगातार कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी पर हाथ भी उठाया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अतुल राय घोसी से बसपा के सांसद हैं। 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान ही उन पर रेप का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अतुल राय को जेल जाना पड़ा था। हालांकि रेप के आरोप के बाद भी वह चुनाव जीत गए थे। अतुल राय इस वक्त यूपी के नैनी जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को कहा था कि वह जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। ठाकुर को उस समय पहले ही सरकार ने कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था। उन्होंने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि पार्टी बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और उनके नए संगठन का प्रस्तावित नाम अधिकार सेना होगा। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पिछले दिनों योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि वह गोरखपुर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया था। ठाकुर ने आरोप लगाया था कि पहले से ही 21 अगस्त को गोरखपुर जाने का ऐलान उन्होंने किया था और पूरा कार्यक्रम भी उसी के अनुसार जारी किया गया था, लेकिन लखनऊ के गोमती नगर सीओ ने उन्हें जाने से रोक दिया और उन्हें गोरखपुर नहीं जाने दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए एक फैसले के बाद अमिताभ ठाकुर को बीती 23 मार्च को जनहित में कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। अमिताभ ठाकुर का कार्यकाल 2028 में पूरा होने वाला था और उन्होंने 2017 में केंद्र से अपना काडर राज्य बदलने का आग्रह किया था। गृह मंत्रालय द्वारा कंपलसरी रिटायरमेंट दिए जाने के बाद अमिताभ ठाकुर ने अपने घर के बाहर जबरिया रिटायर्ड आईपीएस का बोर्ड लगा दिया था, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अमिताभ ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा है और वह सरकारों के खिलाफ अपने अलियर लुक के कारण चर्चाओं में लगातार बने रहते हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर पहली बार उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने
माननीयों को दिए जाने वाले पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर का विरोध किया था। उन्होंने इसे खत्म करने की मांग भी की थी और तत्कालीन यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन को पत्र लिखकर उन्होंने कहा था कि गार्ड ऑफ ऑनर पाने वाले कुछ मंत्री क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, जिन्हें पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ता है, इससे पुलिस का मनोबल गिरता है। अमिताभ ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच की तकरार और अदावत किसी से छुपी नहीं है। बात जुलाई 2015 की है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुलायम सिंह यादव ने फोन कर धमकाया है और सुधर जाने की नसीहत दी है। अमिताभ ठाकुर ने पूरी धमकी को रिकॉर्ड कर लिया था और पब्लिक डोमेन भी ले आए थे। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पिछली बार से ज़्यादा बुरी गत बनाऊंगा, सुधर जाओ। इस संबंध में तब अमिताभ ठाकुर ने 24 सितंबर 2015 को हजरतगंज कोतवाली में उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में मुलायम सिंह ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अमिताभ ठाकुर को फ़ोन किया था, लेकिन धमकाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। इसी वाकये के बाद अमिताभ ठाकुर पर रेप का आरोप लगा था और उन्हें निलंबित भी होना पड़ा था। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता किसी से भी बात करने का। मुझे खैर टॉपी तो मैसेज नहीं जाऊंगा, ये इलीगल डांस है। कारण के बारे में साइन से बात है, देखिए कारण बताइए, देखिए नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, ये कोई तरीका नहीं होता किसी से भी बात करने का। मुझे खैर कॉपी तो मैसेज नहीं जाऊंगा, ये इलीगल डांस है। कारण बताएं, साइन से बात है, कहीं साइन से बात है, देखिए कारण बताएं, देखिए नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अब हो गया, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं।